बीते दिनों दुर्ग के जिला अस्पताल में हुई घटना से आहत अस्पताल के चिकित्सक और स्टाफ ने काम बंद कर प्रदर्शन किया और प्रशासन से उचित कार्यवाही की मांग की। बीते दिनों दुर्ग के जिला अस्पताल में किन्नर द्वारा अस्पताल के नर्स स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार व थप्पड़ मारने की घटना से आक्रोशित जिला अस्पताल के चिकित्सकों और स्टाफ ने कोतवाली थाने पहुंचकर काजल किन्नर पर कार्रवाई किए जाने की मांग की थी। वहीं पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई नहीं किए जाने से आक्रोशित अस्पताल के स्टाफ द्वारा सोमवार को काम बंद कर नाराजगी जताते हुए सड़क पर उतर आए और नारेबाजी की। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला अस्पताल के सिविल सर्जन वाई के शर्मा ने उनके बीच पहुंचकर चर्चा की। इस संबंध में सिविल सर्जन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। 3-1 दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ था, इसमें एक काजल नाम की किन्नर, इसने आके कैजुअल्टी में जो किसी मरीज को लेके आए थे, उस मरीज का यहाँ पर उपचार भी किया गया, उपचार शुरू कर दिया गया था। उसके बाद भी वो नशे की हालत में जो यहाँ पर स्टाफ नर्स थी उसके साथ पहले उसने बहस किया, फिर दो थप्पड़ मारा भी, जैसी जानकारी मिली है। और इस प्रकार का इंसिडेंट होने से स्वाभाविक तौर पे जो कर्मचारी उसका मॉरल डाउन होता है, गिरता है मॉरल। और ये ना हो ये हमको कोशिश करनी थी। इस व्यक्ति के विरुद्ध तुरंत FIR दर्ज हुआ, उस पर कार्रवाई भी हुई है। यहाँ पे एक चौकी खुलनी थी है, इसके संबंध में हम लोग पहले भी पत्राचार कर चुके हैं और 1-4 का गार्ड देने की बात हुई थी। 1 गार्ड कभी कभी दिखता है हमारे यहाँ। मैंने SP महोदय से भी निवेदन किया कुछ देर पहले, यहाँ पर पुलिस चौकी होनी चाहिए। हमने इस संबंध में सहमति जताई है, बहुत जल्दी पुलिस चौकी प्रारंभ करने की बात है। सर वर्तमान इन्हें भी मैंने अभी हाथ जोड़कर समझाया है कि भाई हमारा जो स्वास्थ्य विभाग का जो चिकित्सकीय कार्य है वो हर मिनट इमरजेंसी का रहता है। तो आप लोगों की बात को मैंने SP साहब तक पहुँचा भी दिया है और इस पर आगे भी हम कोशिश करेंगे कि ये इस प्रकार से कोई घटना दुर्घटना फिर से पुनरावृत्ति ना हो इसकी। सभी अभी थोड़ी देर मान के अंदर अपने काम में आ जाएंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीब फारूकी की रिपोर्ट।